बहुत अमेजिंग है. फर्स्ट एपिसोड जैसा होना चाहिए वैसा ही है. इट इज़ रियली ग्रिपिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच मोर एपिसोड्स. मतलब हर एपिसोड में जो छोड़ देते हैं ना कि नेक्स्ट में क्या होने वाला है, सो इतना इंटरेस्टिंग है. इट्स वेरी गुड. ऑल आर वेरी गुड बट आई एम हियर फॉर माई फ्रेंड सुचिता जो पुष्पा का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो लड़की की माँ का रोल है. एंड आई थिंक शुरू के 15 मिनट पूरे एपिसोड में, मतलब सभी छाए रहे बट शुरू के 15 मिनट वो ही दिख रही थी एपिसोड में. और परफॉर्मेंस तो बहुत ही सुपर्ब थी एंड सबकी परफॉर्मेंस अच्छी है बट माई फेवरेट वाज सुचिता. मेरी क्या, हाँ आई थिंक टोटली सही है. फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग भी सही थी कि जो लड़की है वो हानिकारक है. और आई थिंक इट्स नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे लड़कियाँ हानिकारक होनी चाहिए. थैंक यू. यू कैन सी माई फेस, मैं बहुत खुश हूँ. इट्स लाइक मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड. एंड एग्जैक्टली मुझे जुकाम था, मैं थोड़ा सा बीमार था बट आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसा लग रहा है मुझे देखकर. बट यस आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी एंड एवरीवन इज स्माइलिंग, एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग, इट्स एवरीवन इज हार्ड वर्क एंड आई एम सो हैप्पी दैट इट केम आउट फाइनली वेरी गुड. या मैं तो बहुत भोला भाला दिखाया गया हूँ शो में. अगर आप देखोगे, शो देख रहे हो तो आप पता चलेगा कि मैं लड़कियों से बड़ा घबराता हूँ, शर्माता हूँ, अपनी माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ. तो इस प्रकार का मेरा किरदार है लेकिन ये मुझे हानि पहुँचाती फिर आगे जाकर. मेरा किरदार तो देख लिया भाई, कैसी धाकड़ है, धाकड़ है. बनारस में हाँ, आपने अगर स्टार्टिंग के एपिसोड्स देखो तो बनारस का शूट है, तो बनारस का एक्सपीरियंस तो इट वाज आउटस्टैंडिंग. आई थिंक सो पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी ही स्पिरिचुअल जगह है जो आपको ऐसी एक डिवाइन फीलिंग दे सकती है. वेरी वंस यू आर बैक टू योर रूम, यू एक्चुअली कम विद अ पीस ऑफ माइंड, एक्चुअली वेरी पॉजिटिव माइंड. सो मेरे ख्याल से बनारस है, ऋषिकेश है, ये कुछ ऐसी जगह है हिंदुस्तान में जो अनोखी है. यस, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अ हैप्पी प्लेस. आई फील लाइफ में एक बार तो सबने जाना चाहिए बनारस, वाराणसी. मुझे बिलीव करना चाहिए, मैं थोड़ा सावधान रहूँगा तो मैं बिलीव करता हूँ मेरी बीवी हानिकारक है. ऐसी हूँ थोड़ी बहुत, पर इससे थोड़ी कम, पर थोड़ी बहुत ऐसी हूँ. आई कैन रिलेट टू हर. अरे ये तो होता ही रहता है यार, ये तो मतलब. नहीं, मैंने कभी नहीं छेड़ा लड़की को और मैं ऐसा कुछ करूंगा भी नहीं. लड़कियां छेड़ती थी. शो को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा, देखो आपने अगर पहला एपिसोड अगर आपने देखा है तो आप समझ गए होंगे बहुत ही अलग किस्म का शो है. इट इज सो ब्यूटीफुल, इसमें कॉमेडी है, ड्रामा है एंड वे कमिंग अप विद समथिंग न्यू लाइक अ वैसेक्टमी, नसबंदी, जो आज तक टेलीविजन पे कभी दिखाया गया नहीं है. सो इट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट एंड अ न्यू स्टोरी. सो आई एम श्योर दैट ऑडियंस डेफिनेटली इसे पसंद करेगी. सी आज तो हमारा पहला एपिसोड आया एंड आई फील आप लोगों को अच्छा लगा हो एंड वी आर वेटिंग कि आपसे भी हमें कुछ सुनने को मिले कि कैसा लगा आपको, क्या है. सो यू कैन कनेक्ट विद अस एंड आई फील लेट यू गाइज वेलकम अस विद बिग हैंड्स. या दैट वाज अ सैड न्यूज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई डोंट नो व्हाई, आई मीन आई इट वाज रियली सैड एक्चुअली. मैं जब यहाँ पे बॉम्बे लैंड हुआ तो मुझे ये न्यूज़ देखने को मिली एंड I really don't have words for that. To be very honest, I really don't have words. And he was one of the superstar. I'm gonna miss him. Of course, yes. I'm speechless. I don't have words for that. We were on flight when we got to know that, and it was really sad for us. Like we had this big moment, but then something that terrible happened. So we're gonna love him forever. Yes. 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 मेरी हानिकारक बीवी जिंदगी के लिए, जिंदगी के लिए नहीं, नहीं मेरी हानिकारक बीवी जिंदगी के लिए सच नहीं है लेकिन इस शो के लिए बहुत सच. अच्छा, मतलब रियल बीवी से बहुत डरता है. हम तो मतलब पर्दे पे दो दो बीवियां, जिंदगी में एक बीवी, मेरी तो तीन तीन है, तो सोच लो मेरी लाइफ कितनी अच्छी है. एग्जैक्टली.
मैं तो बोलूंगी नहीं, मुझे नहीं लगता हाँ बीवियाँ हानिकारक होती हैं। हर 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 एक लॉजिक होता है उनके कुछ कहने का और क्या। मेरे हिसाब से कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरे हिसाब से बीवियाँ हानिकारक होती हैं, लेकिन उन्हें हानिकारक बनाने वाला पति होता है। मैं नहीं हूँ, जनरली पति की बात कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, किसका शो है, किस तरह का शो? अच्छा, किस तरह का शो है? कॉमेडी शो है, फन शो है, लेकिन साथ साथ एक मैसेज भी है, एक बहुत सीरियस नोट भी है, तो जो जैसे ही वो लोगों को पहुंचेगा तो उन्हें समझ में आ जाएगा। मेरा कैरेक्टर है ब्रजेश पांडे, प्यार से लोग मुझे बीपे बुलाते हैं, बीपी बुलाते हैं। मैं हूँ कमोड किंग, क्योंकि मेरे बाथरूम का बिजनेस है। बाथरूम का नहीं है यार, मतलब कमोड का है, कमोड वेयर, फाइन सैनिटरी वेयर, लग्जरी आइटम्स ऑफ बाथरूम, बस वो है। और हर मुसीबत पे मैं कहता हूँ लग गए लोटे। तो मैं इनकी सेकंड वाइफ हूँ और मेरा नाम है देवीना पांडे। और मुझे पता नहीं, यू नो दैट, मतलब आई एम अ वेरी डोमिनेटिंग और हर चीज़ में इनको इंग्लिश सिखाती हूँ, ये बनारस के हैं और मैंने अंग्रेज़ी और अपने स्टाइल का बनाती हूँ, फुल ऑन डोमिनेट करती हूँ। और मुझे आई थिंक हर बीवी मेरे साथ होगी। कैसे रखना चाहिए पति को? मैं पुष्पा पांडे का किरदार प्ले कर रही हूँ, इनकी फर्स्ट वाइफ, जो गांव में छुपी छुपी वाली वाइफ, जो बहुत ही गॉड फियरिंग होती है, भगवान से बातें करती रहती है, भगवान पे बहुत भरोसा है, भगवान उसके दोस्त है, और उसके बाद पति, पति पे को पूछती है ये औरत। जी, हमारा, हमारे गांव का पोर्शन हमने बनारस में शूट किया था। इसमें जो है, जो अब पहले दो तीन एपिसोड्स में जो आप देखेंगे कि ये कार धो रहा है, ये पोछा मार रहा है, गार्डन में पानी दे रहा है, बाद में राज खुलेगा कि ये बीपी असल में है कौन और है क्या चीज़। नहीं, डेफिनेटली एक नया कॉन्सेप्ट है नसबंदी के ऊपर जो हम बना रहे हैं। प्रोड्यूसर्स की दाद देनी चाहिए, चैनल की दाद देनी चाहिए कि ऐसा एक कॉन्सेप्ट, मैसेज वाला कॉन्सेप्ट जो हम पब्लिक तक लेके जा रहे हैं, एंड आई एम श्योर पब्लिक इसे सराहेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। हमारी पॉपुलेशन जिस तरह, जिस कदर बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे और मैसेजेस अगर यू नो कम लिटरेट लोगों को या इवन लिटरेट लोगों को सिखाया जाए थ्रू कॉमेडी, विच इज़ यू नो, ह्यूमर इज़ द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत मज़ा भी आता है और ऐसा नहीं लगता कि कोई प्रीच कर रहा है। तो द राइटर्स, तो मतलब सोनाली जाफर, आमिर जाफर, आई एम इन लव विद देयर राइटिंग एंड आई थिंक दे आर फैबुलस। एंड ये कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूँ, एक सीरियस कॉन्सेप्ट एक लाइट हार्टेड वे में अगर पोर्ट्रे किया जाए तो लोगों के दिलों तक पहुंच जाता है, क्योंकि अगर आप प्रीचिंग करने लगेंगे तो कोई नहीं सुनने वाला। सो वी हैव ट्राइड दिस, आर राइटर्स, आर क्रिएटिव टीम हैज ट्राइड दिस, एंड सो फार फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद पीपल हैव एंजॉयड इट। मैं पर्सनली उन्हें जानती नहीं थी, लेकिन बचपन से उनकी फिल्में देखती आई हूँ, मेरी तरफ से सिर्फ एक नमन। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, बिकॉज वी हैव ग्रोन अप उन्हें देखते हुए, एंड वो जहाँ भी हैं खुश थे। शशि कपूर साहब के लिए मैं अच्छा नहीं लगता, मैं बोल रहा हूँ, ये लोग चिल्ला रहे थे, जस्ट लेट मी बी क्वाइट ना फॉर टू मिनट्स। शशि कपूर साहब के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा एक क्लोज एसोसिएशन रहा है, क्योंकि डैडी के साथ उन्होंने इतनी सारी फिल्में की हैं, तो एक लॉस है हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे कलाकार, यू नो, तो अफसोस है। और ऐसे लोग जाते नहीं, हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं।